गाजियाबाद में शमशान में छत के गिरने से 23 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आज ईओ निहारिका सिंह, जे चंद्रपाल सिंह और सुपरवाइजर आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार अजय त्यागी अभी फरार है। शासन की सख्ती के बाद कमिश्नर अनीता सी मेश्राम और पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने रविवार की रात अधिकारियों के साथ मोदीनगर तहसील में बैठक कर स्थिति की समीक्षा की थी। इसके बाद दोनों अधिकारियों के निर्देश पर देर रात में ही मुरादनगर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका की ईओ, जेई और सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, काम में लापरवाही व भ्रष्टाचार आदि के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मृतक जयराम के पुत्र दीपक ने तहरीर दी है। इसमें बताया है कि उनके पिता जयराम की शनिवार की रात मौत हुई थी। अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदार और पास पड़ोस के लोग शमशान पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि के दौरान बरामदे का लैंटर गिर गया। इसमें 23 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि ईओ समेत अन्य अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने अपनी तहरीर में अधिकारियों को इस हादसे और हादसे में हुई मौतों को जिम्मेदार बताते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नथानी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मुरादनगर कोतवाली पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2-3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है यहाँ पर, और पिछले 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। NDRF की टीम भी हम लोगों ने बुला ली है। पूरा जिला प्रशासन, हमारा पूरी मेडिकल टीम, हमारी पूरी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम सब यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम यहाँ पर जो लोग मलबे में दबे हुए हों उनको निकालना, उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाना। करीब 20 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से निकाल करके वहाँ हॉस्पिटल भेजा है और वहाँ उनका उपचार वगैरह चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट के लैंडर गिरने की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने कहा कि मैंने जिले के अधिकारियों को राहत कार्य करने और घटना की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और IG रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं, और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश सरकार शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं, और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी।